हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रैंकस्टीन। फ्रैंकस्टीन मैरी शेली के द्वारा लिखा हुआ एक नोवेल है और जो कि गोथिक स्टोरी पर बेस्ड है। इस पर गोथिक स्टोरी को दिखाया है। गोथिक स्टोरी के बारे में हमने अभी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं गोथिक नोवेल को। तो ये फ्रैंकस्टीन गोथिक नोवेल की ही एक स्टोरी है। इसमें मैरी शेली द्वारा लिखा गया है ये फ्रैंकस्टीन। फ्रैंकस्टीन का जो सबटाइटल है द मॉडर्न प्रोमेथियस, इसका सबटाइटल है ये द मॉडर्न प्रोमेथियस इज़ अ गोथिक नोवेल। ये गोथिक नोवेल है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1818, जो 1818 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ डेडिकेटेड टू मैरीज फादर, ये मैरी के फादर को डेडिकेट किया गया है, विलियम गॉडविन। पर्सी वाइसी शैली रोट द प्रीफेस टू मैरी शैलीज फ्रैंकस्टीन इन सेप्टेम्बर 1817। पर्सी वाइसी शैली जो हैं मैरी शैली के भाई हैं, रोट उन्होंने प्रीफेस लिखा था, फ्रैंकस्टीन का प्रीफेस लिखा था सितंबर 1817 में। द नोवल ओरिजिनेटेड आउट ऑफ अ कॉम्पिटिशन प्रपोज बाई लॉर्ड बायरन। ये जो नोवल ओरिजिनेट हुआ, यानी इस नोवल की जो उत्पत्ति हुई है, जो ये नोवल लिखा गया है, वो एक कॉम्पिटिशन की वजह से लिखा गया है, जिसे प्रपोज किया था लॉर्ड बायरन ने इन द समर ऑफ 1816 एज टू हु कुड राइट द बेस्ट ऑरर स्टोरी। उन्होंने क्या कॉम्पिटिशन प्रपोज किया था कि कौन बेस्ट ऑरर स्टोरी लिख सकता है। द सेंट्रल आइडिया केम टू मैरी, और इसका जो सेंट्रल आइडिया था फ्रैंकस्टीन का, वो मैरी के माइंड में आया कैसे, इन अ ड्रीम। उन्होंने एक ड्रीम देखा था वेयर शी सॉ अ स्टूडेंट पुटिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ अ मैंस बॉडी। उस ड्रीम में उन्होंने देखा कि एक स्टूडेंट है जो एक मैन के बॉडी पार्ट्स को एक साथ रख रहा है, यानी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, उनको एक साथ रख रहा है एंड वर्किंग थ्रू अ बिग इंजन टू एनिमेट इट, और एक बड़े से इंजन पर वो काम कर रहा है जिससे कि वो उस मैन को एनिमेट कर देगा, यानी कि उसको जिंदा कर देगा। शी फर्स्ट रोट अ शॉर्ट स्टोरी, सबसे पहले तो उसने, यानी कि मैरी ने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, बट शैली इनकरेज्ड हर, लेकिन शैली ने उन्हें इनकरेज किया था टू एक्सपैंड इट इनटू अ नोवल, कि वो इसे एक्सपैंड करे एक नोवल में। द नोवल बिगिंस विद अ सीरीज ऑफ लेटर्स, ये जो नोवल है एक लेटर्स की सीरीज में लिखा गया है, यानी कि लेटर्स को पास किया जाता है फ्रॉम द एक्सप्लोरर रॉबर्ट वॉल्टन टू हिज सिस्टर। जो इसमें एक्सप्लोरर हैं रॉबर्ट वॉल्टन, वो अपनी सिस्टर मार्गरेट सेवाइल को लेटर पास करते हैं और उस लेटर्स में ही ये पूरी स्टोरी लिखी जाती है। इट इज़ वॉल्टन हु फाइंड्स विक्टर फ्रैंकस्टीन नियर डेथ, क्योंकि जो ये वॉल्टन थे, रॉबर्ट वॉल्टन, इन्होंने ही विक्टर फ्रैंकस्टीन को डेथ के करीब पाया था। लिसन्स टू हिज टेल, और उन्होंने विक्टर फ्रैंकस्टीन की टेल सुनी थी, स्टोरी सुनी थी, एंड रिकॉर्ड्स इट इन लेटर, और उसकी स्टोरी को उन्होंने लेटर्स में रिकॉर्ड कर दिया था। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज विक्टर फ्रैंकस्टीन, इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो विक्टर फ्रैंकस्टीन है, हु क्रिएट्स एन इंटेलिजेंट बट ग्रोटेस्क मॉन्स्टर, जो क्रिएट करता है एक इंटेलिजेंट लेकिन एक ग्रोटेस्क मॉन्स्टर क्रिएट करता है, फ्रॉम होम ही रिकॉइल्स इन ऑरर, जिससे वो ऑरर क्रिएट करता है, उस मॉन्स्टर के थ्रू ऑरर क्रिएट करता है स्टोरी में। द सब टाइटल ऑफ द नोवल एल्यूड्स टू फ्रैंकस्टीन एज अ प्रोमेथियन फिगर, जो सब टाइटल है नोवल का द मॉडर्न प्रोमेथियस, तो फ्रैंकस्टीन का सब टाइटल है वो, उसमें एक प्रोमेथियन फिगर के रूप में दिखाया गया है। स्ट्राइविंग अगेंस्ट ह्यूमन लिमिटेशंस, जो ह्यूमन लिमिटेशंस के अगेंस्ट में स्ट्राइव करता है टू ब्रिंग लाइट एंड बेनिफिट टू मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए लाइट और बेनिफिट लाने के लिए। लेकिन हिज फॉल, उनका फॉल हो जाता है रिजल्ट्स फ्रॉम हिज फेलियर, लेकिन वो फेल हो जाते हैं इस काम में, जिसकी वजह से उनका फॉल हो जाता है। एंड इन एबिलिटी टू गिव लव टू हिज क्रिएचर, वो अपने क्रिएचर्स को प्यार भी नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉल हो जाता है। द मॉन्स्टर सीक्स अ फीमेल मेट फॉर हिम, जो मॉन्स्टर है वो अपने लिए एक फीमेल फ्रेंड चाहता है। व्हेन विक्टर रिफ्यूजेस टू क्रिएट वन, क्योंकि विक्टर ने ही इस मॉन्स्टर को क्रिएट किया था, तो वो विक्टर से ही चाहता है कि एक फीमेल मॉन्स्टर को भी क्रिएट किया जाए, फीमेल फ्रेंड उसको चाहिए थी, लेकिन विक्टर रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है क्रिएट करने के लिए। तो द मॉन्स्टर नैरेट्स हिज ट्रेजिक स्टोरी, तो मॉन्स्टर अपनी ट्रेजिक स्टोरी सुनाता है। फ्रॉम द टाइम ही टुक बर्थ, वो बताता है कि जब से उसने जन्म लिया है, ही इंड्योर्ड रिजेक्शन फ्रॉम मैनकाइंड, उसने मानवता ने उसको रिजेक्ट ही किया है,
यानी कि जो भी मनुष्य हैं उन्होंने उसे रिजेक्ट ही किया है, बट नेवर रिटेलिएटेड, लेकिन उसने कभी भी शिकायत नहीं की। एज अ रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप, ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज, अब वो रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है ऑन इस क्रिएटर्स फैमिली, अपने क्रिएटर की फैमिली से, यानी विक्टर फ्रैंकस्टीन की फैमिली से, क्योंकि उसी ने उसे क्रिएट किया था, उसे बदला लेना चाहता है। टू अवेंज द इंजरी एंड सोरो ही इंड्योर्स फ्रॉम अदर्स, क्योंकि जो इंजरी और सोरो वो इंड्योर करता है, सहन करता है दूसरों से, उस इंजरी और सोरो की वजह से वो बदला लेना चाहता है अपने क्रिएटर से, अपनी क्रिएटर की फैमिली से। द मॉन्स्टर किल्स, मॉन्स्टर किल मतलब मार देता है हिज नियर एंड डियर वंस, अपने रिलेटिव्स को वो मार देता है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। इवन किलिंग हिज वाइफ ऑन देयर वेडिंग नाइट, इवन अपनी वेडिंग नाइट पर वो अपनी वाइफ को भी मार देता है। विक्टर फ्रैंकस्टीन वोज टू डिवोट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके बाद विक्टर फ्रैंकस्टीन कसम खाता है कि बाकी का वो अपना जीवन जो है वो किसको डिवोट कर देगा, टू फाइंडिंग द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को ढूंढने में लगा देगा, एंड एग्जैक्टिंग हिज रिवेंज, एंड ही सून डिपार्ट्स टू बिगिन हिज क्वेस्ट, वो जो रिवेंज ले रहा है उसको वो ख़त्म करेगा और जल्दी ही वो अपनी क्वेस्ट के लिए, खोज के लिए निकल पड़ता है। फ्रैंकस्टीन चेजेस द मॉन्स्टर थ्रू यूरोप एंड रसिया, फ्रैंकस्टीन उसे चेज करता है मॉन्स्टर को, उसका पीछा करता है यूरोप और रशिया में। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, अब वो मरने की कगार पर है। व्हेन द मॉन्स्टर कम्स टू विजिट हिम फॉर द लास्ट टाइम, जब लास्ट टाइम मॉन्स्टर उसे मिलने आता है उस समय फ्रैंकस्टीन मरने वाला होता है। द मॉन्स्टर मॉर्न्स फॉर ऑल दैट ही हैज़ डन, अब मॉन्स्टर मॉर्न कर रहा है, शोक मना रहा है उस सब के लिए जो उसने अभी तक किया है। बट मेंटेन्स दैट, लेकिन फिर भी वो ये मेंटेन रखता है दैट ही कुड नॉट हैव डन अदरवाइज, कि वो इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता था। गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज सफरिंग, वो अपनी सफरिंग्स के बारे में बताता है कि जो भी उसने सहन किया है उसके लिए वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। एट द एंड ऑफ द नोवल के एंड में द मॉन्स्टर डिसअपियर्स इन द वेव्स एंड डार्कनेस, जो मॉन्स्टर है वो डिसअपियर हो जाता है वेव्स में और डार्कनेस में। तो ये जो स्टोरी है फ्रैंकस्टीन की, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं इसमें फ्रैंकस्टीन के। जी फ्रैंकस्टीन भी एक गोथिक नोवल है, ऑरर स्टोरी है इसमें, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।